जब नेपाल में भूकंप आया और मुझे लगा कि ये भूकंप का असर बिहार में भी हुआ होगा, मैं पहला व्यक्ति था जिसने बिहार के मुख्यमंत्री को फोन किया कि भूकंप की स्थिति में आपकी क्या स्थिति है। उन्होंने कहा, मोदी जी मैं तो दिल्ली में हूं, मुझे अभी तो कोई जानकारी नहीं है। मैंने बिहार के हर जिले में फोन किया, एनडीए के हर नेता से फोन किया, सबको दौड़ाया। मैंने कहा ये भूकंप का असर बिहार के भी नेपाल से सटे हुए जिलों में हो सकता है, तुरंत पहुंचिए। इतना ही नहीं, मेरी सरकार के मंत्रियों को बिहार के हर जिले में भेजा, जबकि बिहार की सरकार ने क्या किया वो आप जानते हैं। भूकंप के कारण जिनको मुसीबत आई है, इनकी चिंता करने का काम सबसे पहले सिर्फ दिल्ली सरकार ने नहीं, प्रधानमंत्री ने खुद ने किया था। ये हमारे माजी जी मुख्यमंत्री थे और गांधी मैदान में भगदड़ हो गई, कुछ लोग मारे गए। मैं पहला व्यक्ति था जिसने तुरंत बिहार के मुख्यमंत्री जी को फोन किया था, और तब वो हमारे साथ नहीं थे। तुरंत फोन किया था, मैंने कहा कि हादसा कैसा हुआ है, मुझे क्या मदद करनी चाहिए, मुझे तुरंत बता दीजिए, मैं आपको मदद पहुंचाता हूं। भाइयों बहनों, बिहार को जो भूले ही नहीं है तो याद आने का सवाल कहां से उठता है। याद तो उनको आती है जो भूल जाते हैं, सत्ता के नशे में खो जाते हैं, सिर्फ खुर्शी याद रहती है, उनको बिहार की कभी याद नहीं आती है।